दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम जो भी बताते हैं वो हमारी निजी रिसर्च के ऊपर आधारित होता है। आप जो भी करें स्वयं की जिम्मेदारी पर करें और खुद की निजी रिसर्च करने के बाद ही कुछ करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम उनको हमारे द्वारा दी जा रही अपडेट्स लगातार मिलती रहे। जो टाइटल आपने देखा है उस पर सिंपल सा लिखा है कि रोज़ 1500 से 5000 कमा सकते हैं। तो किस तरह से कमा सकते हैं, सिंपल सा यहाँ पर फंडा बताऊँगा मैं। जो बिटकॉइन की फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उस पर आप जाकर ट्रेडिंग करके कुछ अर्निंग कर सकते हैं अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखिए स्पेशली यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं वो अभी फ्यूचर ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहें, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लें ठीक से, ट्रेडिंग थोड़ा बहुत करना ठीक से समझ लें, सीख लें, उसके बाद ही उसमें हाथ डालें। तो BTC USG का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर जो मैं सिंपल स्ट्रेटजी आपके सामने रखूँगा वो एक बच्चा भी यहाँ पर अच्छे से समझ सकता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लेना है 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर जो दोस्तों एक लाइन जाती है आपको दिखाई पड़ रही है इस तरीके की, ये 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस अपडेट में इतना सिंपल और इतना सरल करके आपको बताऊँगा कि एक 10 साल का बच्चा भी इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लेगा, थोड़ा सा पेपर ट्रेड कर लेगा, अपना हाथ साफ कर लेगा, उसके बाद एक ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड कर सकता है, जिसको बोलते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दो इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए पहला इंडिकेटर हमने यहाँ पर ले लिया 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर हमें दोस्तों लेना है MACD यानी MACD। MACD को दोस्तों बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ठीक है। आप सिर्फ V और W टाइप कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहला इंडिकेटर आपके सामने आएगा VWAP। तो यहाँ से हम VWAP को ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा VWAP को ले लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लो कि VWAP होता क्या है। VWAP बेसिकली एक मूविंग एवरेज के जैसे ही एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं VWAP मीन्स वैल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। क्या होता है, वैल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी यहाँ पर जो एवरेज प्राइस है उसको वैल्यूम का वेट दिया जाता है। एक वीडियो मैंने डाला था कि जिसमें आप लोगों को बोला था कि वैल्यूम के बेस पर किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पर उसका प्रदर्शन आपके सामने मैं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं VWAP को हमने ले लिया है। VWAP को जब आप इसकी सेटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, अगर आप यहाँ से कलर इसका चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। इनपुट पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है, कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर MACD को भी एज इट इज़ उसी तरह से रखना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेड किस तरह से लेना है। सबसे पहले तो आपको 5 मिनट के चार्ट पर, 5 मिनट का चार्ट आप देख रहे हो, 5 मिनट के चार्ट पर आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड किस ओर है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका दोस्तों सिंपल है कि आपको 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लेना होता है। 200 पीरियड के ऊपर है प्राइस तो अप ट्रेंड है, 200 के पीरियड के नीचे है प्राइस तो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो आप सबसे पहले काम करोगे ट्रेंड को जज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड किस ओर है, मैं बाई करना है। बाई किस तरह से करना है, अब दोस्तों जैसे आज के दिन का ही ट्रेड आप देख लो। यहाँ पर मैं एक लाइन को प्लॉट करूँगा, ठीक है, आप देखिएगा गौर से। देखिए यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पर जहाँ मैंने लाइन को प्लॉट किया हुआ है, इस कैंडल का हाई मार्क करना है आपको। तो इस कैंडल पर जब आप कर्जर को रखोगे तो यहाँ पर हाई प्राइस आपको दिख जाएगा $24,679। उसके बाद यहाँ से देखोगे जब आपको यहाँ पर क्रॉसओवर दिखेगा, क्योंकि आपको पहली कैंडल में इंतज़ार करना है, दूसरी कैंडल में यहाँ पर आपको देखोगे कि क्रॉसओवर हो गया। जैसे ही हाई टूटा हमने अपना ट्रेड इनिशिएट कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है। तो यहाँ से सिंपल सा मैग्नेट कॉन करते हैं, ये हो गया लो मार्क। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो इंट्री बनेगी, तो इंट्री बनेगी 24,679 के टूटने पर, यानी कि राउंड फिगर में 680 समझ लें, और $24,567 पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से MACD को जब आप देखोगे कि MACD यहाँ पर जब इस तरह से ये जो यहाँ से ऊपर गई और इस तरह से जब घूमने लगेगी तो आपको यहाँ पर एग्ज़िट कर देना है। एग्ज़िट करना है तो आप देखोगे कि यहाँ पर जब आप एग्ज़िट करोगे तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन और लेता हूँ, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ले ली। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस लाइन का हाई, अगर इस यहाँ पर आपको निकलना है तो यहाँ पर आप हाई जब देखोगे इसका, तो हाई लगभग आपको दिखेगा 24,976। तो एंट्री थी हमारी इस रेट पर, एग्ज़िट हमारा हुआ इस रेट पर। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट मिला आपको कितनी देर में। यहाँ से अगर आप देखोगे, इस लाइन को मैं हटाता हूँ, तो इस कैंडल पर हमारी एंट्री थी जिस पर मैं कर्सर को रख रहा हूँ। उसके बाद देखिए दूसरी, दो, तीन और 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ओनली 45 मिनट्स में
ये ट्रेड आपका इनिशिएट हो जाएगा विद 300 पॉइंट्स। पीरियड के ऊपर है प्राइस, अपसाइड है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसका इंतजार करना है, क्रॉसओवर का, एमएससीडी के मैकडी के क्रॉसओवर का इंतजार करना है। देखिए वीवैप एक बहुत ही एक ऐसा ट्रेडिंग का सिस्टम है जो स्कैल्पिंग में यूज़ किया जाता है, यानी डे ट्रेडिंग में। और इसको आप वीवैप को किसी बड़े टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसको 5 मिनट, 15 मिनट या बहुत ज़्यादा आधा घंटा, इससे ज़्यादा इसको आप किसी भी बड़े टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करोगे तो ये रिजल्ट अच्छे नहीं देता है। ये बेसिकली सिर्फ इंट्राडे डे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग के लिए ही बना है, कि जिसमें छोटे छोटे ट्रेड लिए जाते हैं उसके लिए ही ये इंडिकेटर बना है, ठीक है, जो मार्केट के छोटे छोटे मूव पकड़ कर। अब देखो यहाँ पर प्राइस यहाँ से गिरा, लेकिन कोई शॉर्ट की एंट्री तो बनती नहीं, क्योंकि 200 पीरियड के ऊपर था प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसने सपोर्ट ले लिया और ऊपर चला गया। तो यहाँ से बेसिकली था क्या करना था, जब प्राइस गिर गया तो हमें दिख रहा था कि 200 पीरियड के नीचे आके कन्फर्मेशन देगा तो ही शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। यहाँ पर देखो इसने लो बनाया लेकिन लो को तोड़ा नहीं, तो वापस इसके अंदर आ गया। यहाँ पर इस तरीके से ज़िगज़ैग करता रहा, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही एमएससीडी का यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है, तो प्राइस कुछ इस तरह से गया। आप देखोगे एमएससीडी भी कुछ इस तरह से गई। तो यहाँ पर बेसिकली देखो यहाँ पर एग्जिट के दो ही ऑप्शन होते हैं, जब एमएससीडी घूमने लगे तो आप या तो तब एग्जिट कर जाओ। अब यहाँ पर भी देखो कि क्रॉसओवर जिस कैंडल पर हो रहा है, तो ये क्रॉसओवर हो रहा है इस कैंडल पर, तो आप देखोगे इसका हाई है लगभग 24,170, और जहाँ पर एमएससीडी घूमी वहाँ पर प्राइस है दोस्तों 24,298। तो यहाँ पर काफ़ी एक ठीक ठाक छोटा सा मूव है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो हमने हमारा ट्रेड बन रहा था 170 और 298, लगभग 130 पॉइंट का मूव है, छोटा ट्रेड है लेकिन एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि 100 पॉइंट, 125 पॉइंट, 120 पॉइंट काफ़ी होते हैं बिटकॉइन फ्यूचर की ट्रेड करने के लिए। ये आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। छोटी कैपिटल से ट्रेड करोगे तो छोटा अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा, बड़ी कैपिटल से ट्रेड करोगे तो बड़े अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी वीवैप के ऊपर जो कैंडल आकर क्लोज करे, ठीक है, वो कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी ना हो साइज़ में। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये रेड कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, इसने क्लोज भी वीवैप के नीचे किया लेकिन उसके जस्ट नीचे इसको 200 पीरियड का सपोर्ट मिला और प्राइस पुल बैक कर गया वापस ऊपर। चलो पीछे चल के और देख लेते हैं थोड़ा सा, और बाकी यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने हिसाब से लगाने होंगे। अब देखो प्राइस यहाँ पर वीवैप के नीचे इस तरह से ये कर रहा था, अब यहाँ पर देखना कितना अच्छा नज़ारा है। देखो हमें इस कैंडल के ऊपर ट्रेड मिला, कहाँ पर मिला, इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पर जो क्रॉसओवर हुआ एमएससीडी का स्टार्ट हो गया। तो देखो कितना अच्छा ट्रेड है, 23,651 पे ट्रेड मिला है, और एमएससीडी जहाँ से जिस पॉइंट से घूमा है वहाँ पर मैं कर्जर को रख के दिखा देता हूँ, ये देखो 810, तो एक अच्छा खासा ट्रेड है, ठीक है। उसके बाद फिर आके इसने वीवैप को देखो टेस्ट किया, वीवैप के नीचे नहीं गया, प्राइस में एक ज़बरदस्त पुल बैक आया ऊपर के साइड। तो दोस्तों या तो आप थोड़ी देर, आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क लेके थोड़ी देर वेट कर सकते हो, क्योंकि एमएससीडी जब यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया नीचे आया इस तरीके से और यहाँ पे इतना अच्छा ट्रेड दिया। अब पीछे और चलते हैं, ये देखो यहाँ पर आपको लगातार दिख रहा होगा कि 200 पीरियड और इसके बीच में ही ज़िगज़ैग कर रहा, कुछ नहीं करना हमें दोस्तों। अब यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि ये देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जिसको बार बार प्राइस इस तरीके से एक बॉक्स में चल रहा है। तो देखो यहाँ पर कितने अच्छे से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एमएससीडी का क्रॉसओवर यहाँ पर मिला, एक अच्छा खासा ट्रेड, देखो एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से, ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ कहीं से और यहाँ तक, ठीक है। आप पीछे और देखोगे, अब यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट के ट्रेड दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर एमएससीडी बेरिश क्रॉसओवर दे रही है, लेकिन यहाँ पर आपको वीवाई पर 200 पीरियड के ऊपर है प्राइस, तो अभी आपको यहाँ पर कोई भी सेल साइड ट्रेड नहीं लेना है। सेल साइड ट्रेड कब लेना है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो कितना सुंदर ट्रेड है दोस्तों, यहाँ पर कितना ज़बरदस्त ट्रेड है कि यहाँ पर दोनों ही मूविंग एवरेज, यहाँ पर मूविंग एवरेज और वीवैप दोनों आकर चिपक गए। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का प्राइस एकदम से साइडवेज हुआ और छटपटा के बाहर निकला, और यहाँ पर देखो कितना ज़बरदस्त मूवमेंट, यहाँ पर हमें क्रॉसओवर मिला था, एक अच्छा खासा ट्रेड। देखो इसमें जब ट्रेड मिलेगा तो छोटा ट्रेड भी मिल सकता है और बहुत बड़ा ट्रेड भी मिल सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रेड है। अगर यहाँ पर देखोगे इसको मेज़र करोगे तो 23,473, ठीक है, देखो मार्केट कहाँ तक गई, मार्केट गई 22,592 तक, तो लगभग 800 पॉइंट का मूवमेंट है, बहुत ही बड़ा मूवमेंट है मतलब। और उसके बाद देखो इस तरीके से मार्केट जब ऊपर घूमेगी तो आपको बाई का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि रूल्स बोलता है यहाँ पर बाई का ट्रेड नहीं बनेगा। देखो फिर मार्केट यहाँ से घूम गई नीचे, ठीक है, तो ये शॉर्ट साइड और बाई साइड मैंने दोनों दिखा दिया यहाँ पर आपको। और यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रेडिंग व्यू की मोबाइल एप्लीकेशन पर चार्ट किस तरह से देखना है वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको
बाइनेंस पर, वो बाइनेंस की मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करते हैं लेकिन वहाँ पर उनको VWAP नहीं मिलेगा, तो VWAP के लिए उनको tradingview.com पर आना होगा। तो tradingview.com पर कभी वो आते नहीं हैं तो उनको मालूम नहीं है, तो वो वीडियो देखें और वहाँ पर सिंपल सा उसको जाकर डाउनलोड कर लें उस एप्लीकेशन को और अच्छे से ट्रेडिंग करें। तो यहाँ पर आप इस तरह से पेपर ट्रेडिंग कर लेना, बैक चार्ट के ऊपर कर लेना, देख लेना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, VWAP के नीचे था प्राइस और 200 पीरियड के ऊपर सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पर एक रेंज ऐसी बन रही थी। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ पर MACD ने ज़बरदस्त एक क्रॉस ओवर दिया, एक ज़बरदस्त ट्रेड दिया शॉर्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कहने से मतलब ये हैगा कि देखिए, अगर आपको यहाँ पर मैं सिंपल सा फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपको कहीं पे आप जा रहे हो, ठीक है, आपको रास्ता नहीं मालूम है तो आप पहले रास्ता पता करोगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर चार्ट पर भी वही है कि आपको कहाँ जाना है, आपको बाई साइड जाना है, आपको सेल साइड जाना है, तो पहले उसको पता करोगे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही सिंपल और सरल कॉन्सेप्ट है कि 200 का पीरियड का मूविंग एवरेज, VWAP और साथ में MACD, तीन की कंफर्मेशन ले लो, आप 1500 से 5000 रुपये रोज़ कमा सकते हो। क्योंकि देखिए वो आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बहुत ही बड़ी कैपिटल है तो आप 10000 भी कमा सकते हो, 20000 भी कमा सकते हो, आपकी बहुत छोटी कैपिटल है तो आप 500 भी कमा सकते हो। तो ये आपकी कैपिटल के ऊपर होता है, बस आपको ट्रेड लेना है स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक बड़े नुकसान से बचाता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती है, मार्केट कभी आपको प्रॉफिट देती है तो मार्केट कभी आपको नुकसान भी देती है। प्रॉफिट एंड लॉस ये ट्रेडिंग के दो अभिन्न अंग हैं। तो चलो दोस्तों, मुझको याद दो, चलता हूँ, गुड बाय, नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।